दशरा में हूँ मेकअप ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कोई भी पहली बार में चैनल को देख रहा था प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं जो भी वीडियो रखें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। आज का वीडियो का टॉपिक है टिफिन में भी लंच में मैं क्या पकाऊं आपको बता दूं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शेयर करने से पहले क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखिए, मैं प्याज का बघार रखा हूं। देखो उगाने कैसे है, उगाने पका रहा हूं नाश्ते में, टिफिन में उगाने भी भजिया बना रहे हैं। देखो प्याज कड़ी में रखो, उसमें प्याज डालो, करी पाक, खोती में मिर्चा सब डालो, नमक डालो, मसाला डालो, हल्दी डालो। देखो सब डाल कर आपको मिला, गरम मसाला डालो, हल्दी डालो, सब डाल कर मिला कर रखो। थोड़ी देर मिला लेको, जरा प्याज कलर चेंज होता है थोड़ी देर रखो, अच्छा रहता है रखे तो। उसके बाद आपको बता दें, देखो थोड़ी देर हला लेना, हला को अच्छा मिला कर रख लेने का। उगाने में पानी में भिगने रखो, मुरबरे भिगने रखी थी, निकाल कर बाजी रखना। अब भोगन में बघार में उसमें दाल डाल कर मिला कर रख डालते हैं। देखो आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ी देर जरा मिला लिखो तो देखो गाने में निकाल कर रख ली थी, भोगन में अच्छी भिगने रखी सब, ये निकाल लेकर उसमें अच्छे मसाले डाल कर मिला लेते हैं। देखो अच्छा मिला लेते, कलर अच्छा सुपर रहता है इसका, उगाने का टेस्ट भी अच्छा रहता है, मिला कर अच्छा मिला, कलर भी अच्छा रहता है। इसमें मुरबरे भी अच्छा भिगने रखना, भिगने रखो अच्छा निकाल लेकर, उसके बाद निकाल रहे देखो निकाल लल को अच्छा मिला लेते हैं। अच्छा मिला कर रख लेकर चूल्हे को थोड़ी देर बारीक आँच धीमे आँच पर रखे तो थोड़ी देर गर्म होता है, दम पोए हो जाती है। उसके बाद अच्छा मिला लेकर सब कर लेकर भुगाने भुग्गे के लिए आटा तैयारी कर ले रही। देखो आटा चने का आटा डालना, चने का आटा डालना, अब इसमें मसाले क्या क्या होने के डाल लेते हैं। देखो हल्दी, नमक, नमक डालो, हल्दी डालो, सोडे का नमक भी डालो, गरम मसाला डालो, लाल मसाला भी डालो, सब मसाले डालो। देखो यहाँ पर सब मसाले डाल को अच्छा मिला लेकर, गरम मसाला डालो, नमक, हल्दी, गरम मसाला, जरा जीरा भी डाले, जरा मसाला भी डालो, सब मसाले डाल को थोड़ा पानी डाल को, थोड़ा सा पानी डाल कर अच्छा मिला कर रख लेना। मिला लगे कर रख ली कर बड़ा अच्छा कर अच्छा मिला लेना, फुगे का डे से अच्छा मिला कर रख ली तो पतला भी नहीं है ना, गाढ़ा भी नहीं है। नमक डालो, देखो है इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल कर, सोडा नमक भी डाल देते, पहले थोड़ा सा नमक डाल कर अच्छा मिला लेते हैं। आप बताते हैं, देखो यहाँ पर पूरा अच्छा मिला देगा। नमक के बाद सोडे का नमक भी डाल दो, यहाँ पर डालेगा थोड़ा पानी डाल कर अच्छा मिला लेना, पतला भी नहीं करना, घट्ट भी नहीं है ना, पतला भी नहीं कर, देख कर मिला लेना, थोड़ा अच्छा मिला लेते हैं। देखो मैं अच्छा मिला लेकर आपको बताते हैं कितना अच्छा मिला आटा। देखो आटा मिला कर रख डालो, देखो यहाँ पर मिला लेने का मिर्चाएँ फूकेंगे, मिर्चाएँ के फूके दार में आपको बताते हैं, मिर्चाएँ के फूके, मोटी मिर्चाएँ के फूके दार, फिर मिर्चाएँ के डालना निकालना, आटा नीचे गिर जाता है, इसलिए मैं क्या मिर्चा पूरे एक एक कितने मिर्चा डालती हूँ तो आटे में मिला कर सरक डाले तो मिर्चाएँ का भी आटा अच्छा लगता है, मैं दाल देखो भी जल्दी हो जाता है, ऐसा करे तो बहुत अच्छा देते। देखो मिर्चा पूरे सरक के आटे में भूकने में अच्छा मिला कर सेट करके रख लिए तो जल्दी हो जाता है, आटा भी नीचे भी अच्छा लगता है, हमें दाल दखत भी अच्छे रहते हैं। फूके भी देखो पूरा कितने होने कितने दाल डालो, फिर से एक टाइम डालते हैं, अब दालें मिला कर रख ली सब फूके दाल डालते हैं। देखो इसके मिर्चे के फूके देखिए दाल देखो तो हमें कितना आसान रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ऐसे रख लिए तो आटा भी मिर्ची भर को आटा भी लगता है, हमारे को दाल दखत भी जल्दी भी हो जाता है, निकाल डालना दाल डालना बहुत अच्छा रहता है, आसान भी हो जाता है। देखिए पूरा मिला कर रख डालना, पूरा सेट कर डालना, सेट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। देखें पूरा मिला कर अच्छा रख डालना, रख डालने के बाद आपको यहाँ पूरा निकाल कर अच्छा फ्राई कर लेकर लाल होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा रहता है, कितना ये दिखता है। देखो पूरा मिर्चा डाल से डाल डाल को आटा पूरा ऐसे डालता हूँ, थोड़ा मिर्चा पहले से काट कर बाजी के साइड के काट कर रख लेने तो छलने का चांसेस रहता है, और डंडा बोलती ना हमें मिर्चा के डंडा लास्ट हाथे से तोड़ कर रख लेकर मिला आटे में ऐसा डुबा कर रख लेकर डाले तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए अच्छा पूरे मिर्चा में कितना आटे में डाली तो सब पक चुके हैं, लाल भी फ्राई भी हो चुके हैं, देखो लाल हो चुके हैं। अब आटे निकाल लेकर मिर्चा आपको बता दें, फुग्गी निकाल ले तो मैं निकालने के बाद आपको बताते हैं। देखो जो कलर भी सुपर है, टेस्ट भी देखने में कितना इतना अच्छा दिख रहा है, इसका टेस्ट भी सुपर है। देखो आपको बताते मैं यहाँ पर पूरा हो चुका है, पूरा निकालने के बाद आपको बताते हैं प्लेट इसमें झेरनी में तेल के दस तेल लिए होता है, जरा बकर निकाल कर झेरनी में डालते हैं, आपको बताते हैं। देखकर पूरा झेरनी में आटे पर डाले सब पूरा फूके, पूरा झेरनी में स्टील के झेरनी में दाल को रख डाल, देखो मैं दाल को रख डालने के बाद आपको बताते हैं कितना अच्छा दिखता है, कि कितने अच्छे दिखेंगे। लंबे मिर्चा फूकेंगे मिर्चा डालना होता है, लंबे मिर्चा के फूके डालना होता है, मिर्चा अच्छे लंबे है ना, मोटे ना भी अच्छे रहते हैं, मेरे घर पर मोटे मिर्चा ज़्यादा ज़्यादा थे तो ज़्यादा बाजू निकाल रख लेकर सो कर रहा हूँ, अच्छा निकाल देखो कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए मिर्चा के फूके पूरे निकाल डाला, अब दोपहर के लंच कैसे मैं अंडा का साला बना रहा हूँ, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको बता। देखो प्याज
पूरा भी टमाटे और जीरा रहे जीरा सॉरी जीरा नहीं डालूँ उसमें, जीरा रहे भी नहीं डालूँ कुछ भी नहीं डालूँ। देखो प्याज खोपरा जीरा या धनिया यहाँ पर डालूँ, देखो भुने डालूँ उसमें नहीं डाली थी। देखो जीरा धनिया तिल खोपरा पूरा मिलाकर अच्छा जरा लाल होने के बाद निकाल लेते हैं। काला करने से प्याज भून कर निकाल डालना, सब भून कर निकाल डाल कर पीस कर रख लेना है। सब पीस लेकर अच्छा भून कर रख ले सब निकाल लें। देखो टमाटे प्याज खोपरा जीरा तिल धनिया ये सब डाल कर रखो, सब निकाल कर पीस कर रख पीस डाल दें। पीस का पेस्ट बना था, खाना भी चढ़ा डालें। देखो एक चूल्हे पर खाना भी पकता है, देखो खाना भी पकता है इधर से एक चूल्हे पर खाने वो अंडे का भी सब रेडी कर लेता हूँ। अंडे का सालन बनाने के वो भी रेडी कर लेता हूँ। अंडे भी उबालने रखूँ, देखो यहाँ पर अंडे भी चार अंडे उबालने रखूँ। उबालने रखने के बाद आपको बता दें, देखो पूरे ठंडे हो चुके हैं। अब मिक्सी में पीस ले रूम में मिक्स के जार में पीस डाल कर सब डाल कर मिक्सी रख सब पीस लेकर प्याज लाल कर डाला, थोड़ी सी प्याज डाल कर लाल कर रखा पेस्ट करके उसके बाद इसमें दही भी इसमें डाल कर पीस डालते मैं सब पीस के उसमें डायरेक्ट नहीं डाल सके मैं कभी ऐसी डाल कर पीस उसका दाल का पीसे जाए उसमें पीस जाकर पेस्ट भी अच्छा है मिल जा अच्छा मिल जाता है। दही भी इसमें दाल ऐसी डाल लेते हैं खट्टे खट्टे की वजह से हो जाते हैं ऐसा नहीं हो सका। इसमें दाल का पीसे तो टमाटे में उसमें खोपरे में सब मिक्सिंग हो जाकर अच्छा टेस्ट आता है। मैं कभी भी ऐसी डालते पेस्ट डाला पीस डालें, देखो इसका पेस्ट पूरा पीस डाल कर मसाले डाल रहा हूँ। अब इसमें डाल कर क्या क्या मसाले डालता हूँ, सब डाल कर मसाले पूरे डाल कर थोड़ी देर पकने रखो। इसमें देखो नमक को नमक डालूँ, मसाला डालूँ गर्म मसाला डालूँ, सो मसाले डाल कर अच्छा मिला कर रख डालता हूँ। मिला कर रख डालने का थोड़ी देर अच्छा इसमें पके खुद मैं अंडे अंडे भी बुरा उबाल कर रख ली सो वो भी हो चुके हैं छिल कर रख डालूँ। आपको बता दें देखिए पूरा मसाले डाल कर हला कर मिला कर रख डालता हूँ, थोड़ी देर पकने रख डाल रहा हूँ। ये देखिए अंडे काट कर अंडे उबाल कर रख सकते बीच में चार भी एक अंडे में चार साइड को खुद दो चार चार करो बहुत अच्छे रहते हैं। पकने रखे तो उबाल को रख अंडे इसमें डायरेक्ट डाल कर अब थोड़ी देर पकने रख डालता हूँ। पक डाल पके खुद देखिए अच्छा जरा हला को रख दाल को धीमे आँच पर रखे तो कलर देखो पके तो कितना अच्छा खूबसूरत है, कलर देखने में कितना अच्छा है कि पके खुद भी ऐसा सुपर आता है। देखिए देखिए आँच कम सब पक चुका है, इसमें पके खुद आपको अच्छा ऐसा मिला को अच्छा थोड़ी देर रख डाले खुद बहुत अच्छा रहता है सुपर रहता है। देखिए कितना अच्छा पक चुका है बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय लाफिज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।